हेलो ट्रेडर्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बैंक निफ्टी 23 फरवरी को लिए एनालिसिस करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 23 फरवरी को फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आता है तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा 46,700 का। अगर बैंक निफ्टी 46,700 के लेवल पर आने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद 46,700 के लेवल को ब्रेक करती है तो 46,400 तक का करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 23 फरवरी को फ्लैट ओपन होने के बाद अप मूव दिखाती है तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 47,280 का। अगर बैंक निफ्टी 47,200 के लेवल पे आके वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है और 47,280 के लेवल को ब्रेक करती है तो वहाँ से और भी आके अप मूव देख सकती है। अगर बैंक निफ्टी 23 फरवरी को 47,200 के लेवल के आसपास कहीं पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप होने के बाद 47,280 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करने के बाद फिर अप मूव दिखाती है, 47,280 के लेवल को ब्रेक करती है तो और भी अप मूव देख सकते हैं। लेकिन 47,280 के लेवल पर रेसिस्टेंस फेस करने के बाद करेक्शन आता है तो वो करेक्शन 46,700 के आसपास देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 23 फरवरी को गैप डाउन ओपन होती है 46,700 के लेवल के आसपास और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद 46,700 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर से हम थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। बैंक निफ्टी 46,700 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट ले होके 46,700 के सपोर्ट लेती है और यहाँ से अप मूव देती है तो वो अप मूव 47,000 तक का हो सकता है और उसके आगे भी अगर आप मुझे देखते हैं तो 47,200 तक का हमारा लेवल हो सकता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।